सरकार राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी बनाना चाहती है। नगर निगम के सभी 75 वार्ड इस स्मार्ट सिटी के लिस्ट में शामिल किए गए हैं, लेकिन धरातल पर यहाँ कुछ भी नहीं नजर आता। जो वादे किए जाते हैं वो महज कागजों पर ही रह जाते हैं। आपको बताएं कि अगर मानसून के समय आप पटना का दौरा करेंगे, पटना के कई इलाकों में आप देख सकते हैं जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। कई इलाके इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं। वहीं पटना सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करने वाली तस्वीर पटना सिटी से सामने आई है, जो तमाम दावों की पोल खोल रही है। जो वहां पर लोग रहते हैं वो पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं। स्मार्ट सिटी बनाने का पोल खोल रहा है पटना सिटी के करमली चक का वार्ड संख्या 68, जहां के लोग पक्के नाले और साफ सफाई के लिए तरस रहे हैं। पक्के नाले नहीं होने के कारण मिट्टी कट कर नाले में बह जाती है, जिसके कारण कई दुर्घटना घटी है। वहीं नाले में गिरकर अब तक दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। स्थानीय लोग पटना नगर निगम और पार्षद से पक्के नाले बनाने के लिए गुहार लगाते रहे हैं, पर इसके बावजूद भी पक्के नाले का निर्माण नहीं कराया गया। एक साल से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं। ये पानी आता है, यही कंडीशन रहता है। कच्चा नाला है, इसको जरूरत है इसको पक्कीकरण करके कैप लगा दे, ऊपर से चैम्बर बना दे। किस हाल में अभी देख रहे हैं? अभी हाल जो देख रहे हैं अभी का कंडीशन ये है। अभी बारिश अभी आया नहीं है, बारिश आने के बाद ये सब जल प्लावन हो जाता है। कम से कम आने जाने का रास्ता तो सही होना चाहिए। नगर निगम आगे टैक्स ले जाता है, हैं तो ले जाता है तो व्यवस्था तो देना चाहिए। स्थानीय वार्ड पार्षद किस? स्थानीय वार्ड पार्षद सुनीता देवी हैं, वार्ड नंबर 68 है, और उनका हस्बैंड मनोज कुमार है, मनोज मेहता। क्या जानकारी दिए उनसे? हाँ, कभी उनको जानकारी दिए तो ठीक है, बन जाएगा। आदमी लोग आए, वो इंजीनियर लेके आए, वो वर्सियर लेके आए, नापी किन वो लोग साल भर पहले नाप उप के गए, फोटो लिए, वीडियो लिए और लेके चल गए, जो आज तक वापस नहीं आए। स्थानीय विधायक की जानकारी दी? स्थानीय विधायक के नज़र में भी गया, सीता साहू भी आई थी यहाँ, मेयर। हाँ, मेयर, अब बोली कि ठीक है। अधिकारी कमिश्नर से भी जानकारी? उनको भी जानकारी दी गई है, तो वो आए थे, आए फोटो लिए, सब कुछ किए, रिकॉर्डिंग किए, गए तो गए। हम लोग यहाँ भुक्तभोगी हैं, आम नागरिक हैं यहाँ के। तो ये तस्वीर जो अभी अभी हमने आपको दिखाई, ये सिर्फ एक इलाके की है, पटना सिटी की। ऐसी कई तस्वीर पटना के कई इलाके से सामने आ रही है, और ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं वो तो नगर निगम के सभी दावों की तो पोल खोलती ही है, पर साथ ही साथ पटना सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने पर भी कई तरीके के सवाल खड़े करती हैं। आपको बताएं कि सड़क नहीं होने की वजह से, नाला एकदम खुला रहने की वजह से लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई बार वहां पर दुर्घटना घट चुकी है, पर बावजूद इसके सरकार की लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आश्वासन दिया जाता है कि अगले साल ठीक हो जाएगा, अगले साल ठीक हो जाएगा, सड़कें बना दी जाएंगी, लेकिन कभी भी उसे बनाया नहीं जाता। फिलहाल के लिए इतना ही। पटना सिटी से बादल रोहन की रिपोर्ट, बने रहे आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। यहाँ से 100 मीटर इसी लेवल में ढलैया कर दे, इधर इधर कैप लगा दे, उधर हो जाए।